हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रज्ञा अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की शॉपिंग भी कर रही थी। एक दिन प्रज्ञा अपनी सहेली जिया के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। प्रज्ञा, तू इतनी ज्यादा खुश कैसे है अपनी शादी से? मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि अपनी शादी के बाद ससुराल में कैसे रहेगी, और तू है कि मस्त चिल हो रखी है। तुझे टेंशन नहीं होती क्या? टेंशन? कैसी टेंशन, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। हाँ, और शादी करके तू एक छोटे से गांव में रहने वाली है, ये कभी सोचा है तूने या नहीं? तू एक छोटा सा गांव तो ऐसे बोल रही है जैसे उस गांव में मैं सांस तक नहीं ले पाऊंगी। यार, तू समझ नहीं रही मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एक दो दिन के लिए हम गांव जाते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ तू एक दो दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जा रही है। लेकिन मैं खुश हूँ ना, और मुझे नहीं लगता कि हमें उस जगह रहने में जरा भी परेशानी होनी चाहिए जहाँ हमें खुशी मिले। मेरे माँ पापा मेरी शादी के लिए मान गए हैं, मेरे पसंद के लड़के से शादी हो रही है मेरी। ये शादी तेरे लिए कब जंजाल बन जाएगी तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। देख, अगर तू मेरी शादी से खुश नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी शादी में आने की। अरे, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरे हर फैसले में साथ रहती हूँ, लेकिन तू है कि मेरी शादी हो रही है और उसके लिए तुम मुझे ही सुना रही है। यार, मैं तुझे मना करने वाली या सुनाने वाली होती ही कौन हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे, और मैं तुझे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तू शहर में पली बड़ी है और अब गांव में ससुराल, वहाँ सब पता नहीं कैसा होगा, क्या पता किसी को। लेकिन अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे। नहीं यार, बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी सहेली है तू। अगर तू ही मेरी शादी में खुश नहीं रहेगी तो मुझे भी पता है तू मेरा भला चाहती है, लेकिन तू भी समझना कि मेरी खुशी जरूरी होनी चाहिए, ना कि ये गांव और शहर। और तू खुश रहेगी तो मुझे भी तो खुशी होगी ना। तू ना ऐसी ही बातों में पूरा टाइम खराब कर दे, फिर बाद में तू मेरा ही सर खाएगी। मुझे ये भी लाना था, वो भी लाना था, चल अब ले ले, मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे भी शॉपिंग करनी है। दोनों दोस्त शादी की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। प्रज्ञा के कुछ ही दिनों बाद शादी हो जाती है और वो शादी के बाद अपने पति हेमंत के गांव में रहने के लिए चली जाती है। गांव में जाते ही प्रज्ञा जब हेमंत के घर यानी कि अपने ससुराल को देखती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। हेमंत, ये तुम्हारा घर है? हाँ, लेकिन ये सब मेरा ही नहीं बल्कि अब सब कुछ तुम्हारा भी है। इस घर में कैसे रह सकते हैं, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हेमंत की इतने बुरे हालात थे। क्या हो गया प्रज्ञा, तुम चुप क्यों खड़ी हो, कुछ बोलो ना। हेमंत, ये मेरा ससुराल कुछ ज्यादा ही बुरे हालात में नहीं है, मेरा मतलब कि कुछ ज्यादा ही टूटा फूटा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो कोई रहता ही ना हो काफी समय से। नहीं तो कितना सही तो है, यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, गांव में ऐसे ही तो रहते हैं ना, और ऐसे ही सभी लोगों के घर होते हैं। मेरी शादी होने वाली थी इसलिए हमने अभी इसमें और भी कुछ काम करवाए हैं, अच्छा लगा ना। वैसे तुम्हारा ससुराल इस टूटे से घर में काम करवाए हैं तो इसकी ये हालत है। काम करवाने से पहले तो पता नहीं कौन सी ये भूतिया हवेली के बाहर वाला घर लग रहा होगा। प्रज्ञा, तुम भी ना बार बार पता नहीं कहाँ खो जाती हो। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं अभी माँ को बुलाकर लेके आता हूँ, वो तुम्हारी आरती उतारेगी, तब तुम घर में प्रवेश करना, ठीक है? प्रज्ञा अपने ससुराल में आ तो गई थी, लेकिन अपने ससुराल को टूटी फूटी हालत में देखकर प्रज्ञा का मुंह बंद हो जाता है। अब जैसे तैसे प्रज्ञा अपने ससुराल में पहला दिन तो निकाल ही रही थी कि तभी उसी शाम प्रज्ञा को बाथरूम जाना था और वो अपनी सास कल्पना को बोलती है। माँ जी, मुझे ना बाथरूम जाना है, यहाँ बाथरूम कहाँ है? बहू, वो पर्दा दिख रहा है ना, जाओ उसके पीछे ही कर लो जो भी करना है। माँ जी, पर्दे के पीछे बाथरूम है क्या? हाँ, पर्दे के पीछे ही बाथरूम है, पूरे गांव में एक हमारे ही घर है जिसमें बाथरूम है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन दरवाजा तो है ना पर्दे के पीछे, और मुझे इंग्लिश टॉयलेट में जाने की आदत है, तो आई होप कि इंग्लिश ही टॉयलेट होगा। अरे बहुरिया, इतनी इतनी सी बातों को लेकर सोचने लग जाओगी ना तुम, तो कैसे आदत डालोगी ससुराल की। अच्छा जाओ, तब तक कुछ खाने का बना देती हूँ तुम्हारे लिए मैं। हर गुजरते दिन के साथ प्रज्ञा का वहाँ रहना कठिन होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद प्रज्ञा का डोसा खाने का मन होता है तो वो अपने पति और सास के पास जाती है।
माँ जी, मुझे डोसा खाने का बहुत मन हो रहा है। यहाँ कहीं डोसा नहीं मिलता क्या? बहू, ये डोसा क्या होता है? हमने तो कभी नहीं खाया। इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन आज तक मैंने बस रोटी ही खाई है। रोटी से भी ऊपर कुछ होता है क्या? माँ, ये डोसा यहाँ नहीं मिलता है ना, तभी तो आपको नहीं पता। यहाँ नहीं मिलता क्या मतलब है कि यहाँ नहीं मिलता? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो डोसा खाना है। बहू, अब तो कुंवारी नहीं है जो कुछ भी जिद कर रही है। अब तेरी शादी हो चुकी है, शादी के बाद ससुराल में भले ही रोटी मिले या वो तेरा डोसा मिले, सब कुछ तुझे खुशी खुशी ही खाना चाहिए। इतने दिनों से तो मैं खुशी खुशी ही खा रही थी ना ये सब, आज तक कभी कुछ बोला है क्या मैंने? नहीं ना। तो आप लोग क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि मेरा जो मन है वही खिला दें? बहू, हम क्यों जानबूझकर तुझे कुछ खाने से रोकेंगे? ससुराल को भी तो देखना पड़ता है ना, जो तू देख ही नहीं रही है। और जब कभी अपने माँ बाप से मिलने जाएगी तो खा लियो ना जो खाना हो। पहली बात तो ससुराल में कुछ देखने लायक नहीं है जो मैं देखूं। और रही बात मायके जाकर ही खाना है, तो बोल दो ना कि आप लोगों से आपकी बहू की एक इच्छा पूरी नहीं हो रही। प्रज्ञा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। माँ जी का जो कुछ भी मतलब हो, मेरा तो यही मतलब है जो आप लोग समझ रहे हो। और जा रही हूँ मैं अपने मायके, जो मन होगा वही खाऊंगी वहाँ। प्रज्ञा गुस्से में गांव से शहर अपनी माँ के घर निकल जाती है। और जैसे ही शहर अपनी माँ के घर आती है तो प्रज्ञा अपनी माँ अनुपमा के गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे प्रज्ञा बेटा, तू अचानक से यहाँ कैसे? ना कोई खबर की, ना ही कुछ बताया। और तू ये बता कि तू इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना तुझे? माँ, अब मुझे अपने ससुराल नहीं जाना है, अब मैं यहीं आपके पास रहूंगी। ससुराल नहीं जाना? ये तू क्या बोल रही है बेटा? कुछ हुआ है तो बता ना अपनी माँ को, और अगर कोई बात हो भी गई है तो ऐसे अपना ससुराल तो छोड़कर नहीं आते ना। चुप हो जा और बता मुझे कि हुआ क्या है। माँ, उसे ससुराल कहते हैं? अरे ससुराल कहने लायक होना भी तो चाहिए ना, एक ढंग का घर तक नहीं है। अरे खाने को रोटी देते हैं बस, और कपड़े तो है भी नहीं उनके पास अच्छे। अच्छा, तो तुझे परेशानी ससुराल, रोटी और कपड़े से हो रही है? और नहीं तो क्या, उसे मैं तो अपना ससुराल मान ही नहीं सकती। अच्छा ये बता, तेरी सास तुझे बात बात पर ताने देती है? नहीं, मेरी सास तो काफी अच्छी है, हर काम में मेरा साथ देती है, कुछ कभी कहती भी नहीं है मुझे। यहाँ तक कि जब हेमंत से बहस हो जाए ना, तो भी अपने बेटे को ही गलत बोलती है। अच्छा, फिर तुझे हेमंत परेशान करता होगा? नहीं माँ, हेमंत तो बहुत अच्छा है और हर काम उसे पूछ कर करता है। तो बस, फिर तेरा ससुराल इतना अच्छा तो है। देख, हम लोग भी पहले गाँव में ही रहते थे, तेरे पिता का मैंने साथ दिया, तेरी तरह भाग के मायके नहीं आ गई। और यहाँ तो तुझे सास भी इतनी अच्छी मिली है, तू छोटी छोटी चीजों को देखेगी तो कभी खुश नहीं हो पाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर प्रज्ञा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ सबसे माफी मांगकर वो अपनी सास और पति दोनों के साथ रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।